नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 के सभी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों सोर्सेस की माने तो आईपीएल का शेड्यूल फिक्स हो गया है। जी हां दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल से जुड़ी हुई, जहाँ पर दोस्तों आईपीएल का डेट फिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल की शुरुआती तारीख को फिक्स कर दिया गया है, इसके लिए विंडो भी मिल गई है। तो दोस्तों, क्या है रिपोर्ट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी आईपीएल 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वहीं वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल से जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, बीसीसीआई ने अनिश्चित काल तक के लिए आईपीएल 2020 को स्थगित किया हुआ है। दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में ना चाहते हुए भी बीसीसीआई को आईपीएल 2020 को अगले आदेश तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। यह टूर्नामेंट 29 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पहले इसे 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया गया और अब इसे अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच जहां एक ओर सभी क्रिकेट टूर्नामेंट स्थगित किए जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है आईपीएल 2020 को लेकर, जहां पर दोस्तों बीसीसीआई आईपीएल 13 का आयोजन 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच में कराने का विचार कर रही है। जी हां दोस्तों, तारीख नोट करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां पर बीसीसीआई आईपीएल 2020 का आयोजन 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच में कराने का विचार कर रही है। आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर बीसीसीआई से जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि अभी कुछ भी कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि बीसीसीआई 25 सितंबर से 1 नवंबर की विंडो में आईपीएल को कराने का विचार कर रहा है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कोरोना के केस देश में किस तरह से बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर क्या कहती है। फिलहाल हम इन्हीं डेट पर आईपीएल 2020 के आयोजन का विचार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, वेन्यू भी अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। सूत्र ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाँ, हमने सभी फ्रेंचाइजी को इन डेट के बारे में बताया है, हालांकि ये सब इस बात पर काफ़ी निर्भर करता है कि कोरोना का देश में क्या माहौल है। हमें देखना होगा कि प्रतिदिन कितने केस आ रहे हैं और किस रफ्तार से यह घट बढ़ रहा है, इसमें सरकार की मंजूरी मिलना भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमने डेट के बारे में विचार किया है, लेकिन अब तक वेन्यू को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ है। हम इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि विदेशी खिलाड़ी भी आईपीएल खेलने आए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा और चीज़ें साफ होंगी। तो दोस्तों, सूत्र के हवाले से ये बहुत ही बड़ी खबर आई है आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर, जहां पर पहले भी यही माना जा रहा था कि हो सकता है कि बीसीसीआई सितंबर, अक्टूबर या नवंबर के विंडो में आईपीएल का आयोजन करवाए, और यही हुआ भी। बीसीसीआई जो है 25 सितंबर से 1 नवंबर के बीच में आईपीएल कराने का विचार पूरी तरह से कर रही है। वहीं दोस्तों, आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान किया हुआ है। 2020 का मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच खेला जाना है। ऐसे में अगर आईपीएल का आयोजन इस बीच होता है तो वर्ल्ड कप को स्थगित किया जाएगा, क्योंकि अगर बीसीसीआई इस बीच आईपीएल कराने के बारे में विचार कर रही है तो हो सकता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप को इस साल के लिए स्थगित कर दे। वहीं दोस्तों, कोरोना की वजह से लगे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध को देखते हुए कई फ्रेंचाइजियाँ केवल भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी आईपीएल 2020 के आयोजन के लिए तैयार हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स जैसी कुछ टीमें विदेशी खिलाड़ियों के बिना आईपीएल करवाने के पक्ष में नहीं है। इसके साथ ही वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर आईपीएल का आयोजन संभव होता भी है तो ये लगभग तय है कि उसे दर्शकों के बिना खाली स्टेडियम में ही करवाना होगा। हालांकि अगर आगे चलकर हालात अच्छे हो जाते हैं तो फिर आईपीएल का आयोजन सफलतापूर्वक दर्शकों के साथ ही देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी बहुत बड़ी अपडेट आईपीएल 2020 को लेकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।